वन प्लस थ्री टी फाइनली जो वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और प्राइसिंग यहाँ पे सामने जो वो आ चुकी है। ट्राई ने कहा है कि जियो के एक्सटेंडेड वेलकम ऑफर की वो अब जांच करने वाला है। फोर न्यू एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स बाय नोकिया, ये जो है वो MWC में लॉन्च होने वाले हैं, इसकी कंफर्मेशन HMD ग्लोबल ने जो वो कर दी है। और फाइनली गुलीगन, ये एक ऐसा वायरस है जिसने 1 मिलियन से ज्यादा एंड्रॉयड फोन्स के अंदर धूम मचा के रखी है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद अ डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर में आप लोग को बता रहे थे कि वन प्लस थ्री टी फाइनली जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च हो चुका है और यहाँ पे प्राइसिंग जो है वो सामने आ चुकी है। तो वन प्लस थ्री टी का जो बेस मॉडल है 64 GB का, उसकी प्राइसिंग लगभग से 30,000 रुपीज की रखी है और वन प्लस थ्री टी का जो हायर वेरियंट यानी कि 120 GB की स्टोरेज का, उसकी प्राइसिंग उन्होंने 35,000 रुपीज की रखी है। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे वन प्लस थ्री खरीदने के लिए तो वेट कर लेते तो अच्छी बात थी, आप लोग ने वेट किया और आप लोगों को वन प्लस थ्री टी मिल जाता, क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 821 का प्रोसेसर मिलता है, 3400mAh की आपको बैटरी मिलती है, साथ में आपको 16 MP का फ्रंट फेसिंग सैमसंग का कैमरा मिलता है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अपग्रेड है, एक अच्छी प्राइस उन्होंने रखा है। 64 GB का 30,000 एक्सेप्टेबल है, 6 GB की रैम आती है आपको पता होगा, 35,000 रुपीज 120 GB का, मेरे हिसाब से 33 तक का रखते हैं तो काफी अच्छा होता था। 35,000 थोड़ा सा हमें पता है कि ज्यादा ऊंचा हो जाता है, लेकिन फिर भी वन प्लस के लवर जो है वो ये खरीदेंगे। अगर आपको खरीदना है तो December 14 से Amazon के ऊपर ये जो वो सेल पे जाने वाला है, आप आसानी से ये फोन जाके खरीद सकते हो। और मैं कहूंगा जब भी आप वन प्लस के फोन खरीदेंगे आप बिल्कुल भी जो निराश नहीं हो गए। जियो ने जैसे ही वेलकम ऑफर एक्सटेंड किया, और हम सभी को पता है कि मार्च 2017 तक हमें अब जो है वो जियो का ऑफर फ्री में आसानी से यूज करने जो वो मिल जाएगा। यहाँ पे फिलहाल के लिए ट्राई ने कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट रिलीज किया है। ट्राई के जो चेयरमैन है उन्होंने ये कहा है कि हम जो है वो जियो का ये जो ऑफर है इसकी फिलहाल हम जो है वो जांच करने वाले। इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने ऑफर एक्सटेंड किया है इसमें क्या सही चीज है क्या गलत चीज है उसके बारे में वो लोग जो वो जांच करेंगे और उसके बाद लेटर उसका जो एक अनाउंसमेंट करेंगे। तो आप लोगों को और हमें डरने की जरूरत ये नहीं है कि हमें पता है कि ऑफर एक्सटेंड तो अनाउंसमेंट तो कर दिया तो हमें ऑफर नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ऑफर तो मिलने ही वाला है, लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हो गए शायद से जो ट्राई कहेगा कि आपको ये नहीं वो करना चाहिए था, वो नहीं ये करना चाहिए था। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जियो को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जियो ने पहले भी ऐसे ही किया था, ट्राई ने कुछ रेगुलेशन लाया था उसके बाद फिर भी 31 तक हमें मिल रहा था और फाइनली फिर से जियो ने ऑफर एक्सटेंड कर दिया, तो मुझे तो लगता है कोई फर्क नहीं यहाँ पे पड़ने वाला है। तो जैसे कि वेलकम ऑफर एक्सटेंड हुआ ही तो यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि जियो के इस ऑफर एक्सटेंड करने से कितने टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को यहाँ पे नुकसान भी हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ कि एयरटेल को यहाँ पे 332 से 318 पे गिरावट हुई यानी कि उनके शेयर में, जिससे एयरटेल को 2,270 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। साथ में आइडिया जो है वो 76 से लेकर 74 पे उतर गया यानी कि 2% शेयर गिर गया, जिससे आइडिया को 790 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और रिलायंस कम्युनिकेशन और साथ में वोडाफोन को भी इतना ही नुकसान हुआ जियो के वेलकम ऑफर एक्सटेंड होने पर। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था कि बड़े भैया का ये जो ऑफर था छोटे भैया को भी जो वो नुकसान कर दिया, मुझे लगता है कि छोटे भैया को जो है एक डील करनी चाहिए बड़े भैया के साथ में और बताना चाहिए कि बड़े नोकिया 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 हर जगह नोकिया ही नोकिया है, क्योंकि नोकिया एक ऐसा इंटरेस्टिंग फोन है यानी कि एक ऐसा इंटरेस्टिंग फोन था जिसने सभी के दिलों में एक जगह बना ली थी। अब नोकिया का जो फोन है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नेक्स्ट ईयर MWC में लॉन्च होने वाला है और इसके लिए काफी सारे लोग जो वो वेट कर रहे हैं। बात करते हैं तो नोकिया को HMD ग्लोबल ने जो वो खरीद लिया यानी कि उसके जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं वो HMD ग्लोबल ही बनाएगा, लेकिन ब्रांड जो है वो नोकिया ही रहने वाला है। नेक्स्ट 10 ईयर्स तक के हमें नोकिया के जो भी फोन आएंगे उसके अंदर सारे के सारे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो पार्ट्स होगी, जो बनावट होगी, जो सेलिंग करेगा, ये सारे के सारे जो HMD ग्लोबल करेगा। यहाँ पे HMD ग्लोबल ने कुछ कंफर्मेशन किया है, बताया जा रहा है कि बोल रहे हैं MWC में नोकिया के 4 फोन्स जो है वो लॉन्च होने वाले हैं। जी हाँ, 4 एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के फोन्स, लेकिन इसके अंदर बोला जा रहा है एक टैबलेट भी होने वाला है। तो देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि नोकिया क्या 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 वहां पे जो वो लॉन्च करता है, क्योंकि नोकिया को 73% का नुकसान हुआ था सेल में, जैसे कि उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप किया था तो उसके बाद से नोकिया ने पार्टनरशिप खत्म कर दिया और उसके बाद फिर नोकिया बहुत टाइम से खबरों में नहीं था। फिर फिलहाल हमें एक रिपोर्ट आई थी नोकिया की मार्केट शेयर से, जहां से पता चला कि नेक्स्ट ईयर नोकिया के फोन आने वाले हैं और फाइनली अब जो वो कंफर्म हो चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं, देखते हैं कि नोकिया के फोन क्या प्राइसिंग लाते हैं और इंडिया में जब आते हैं तो कितना जो वो धूम मचाते हैं। तो गुलीगन एक ऐसा एंड्रॉयड वायरस है लेटेस्ट में जिसने 1 मिलियन एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को फिलहाल के लिए अफेक्ट कर दिया है और डेली 13,000 से ज्यादा न्यू यूजर्स को जमा कर रहा है। जी हाँ, तो गुलीगन एक ऐसा वायरस है जो क्या करता है कि आपके जीमेल्स, गूगल फोटोज, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल प्ले, गूगल ड्राइव, जी से यानी कि गूगल्स के जितने भी एप्लीकेशन है उसको इफेक्ट करता है, क्योंकि उसका मुझे ऐसा लगता है नाम ही गुलीगन है, शायद से इसलिए उसको नाम ऐसा पड़ा है। यहाँ पे गुलीगन एक जो वायरस है ये क्या करता है कि कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पर
आपको एक लिंक आती है उस एप्लीकेशन के अंदर ही। अब वो एप्लीकेशन कौन से यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो आपके फोन्स को जो है वो आसानी से हैक कर लेता है। तो यहाँ पे इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ खबर नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए लोगों ने ये बताया है कि आपको अपने फोन को टोटली फ्लैश करना पड़ेगा। जी हाँ, उसके बाद आपको अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड भी जो है चेंज करना पड़ेगा। तो बचिएगा अननेसेसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से, और साथ में कोई भी लिंक आपको आती है बिना जांच पड़ताल के उस पर क्लिक मत करिएगा। मैं आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी भी बताता हूँ, क्योंकि क्या पता हमारे डेटास वगैरह कुछ भी जो वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे, फाइनली कुछ भी हो जाता है जिससे नुकसान सिर्फ हमारा ही है। फाइनल टेक न्यूज ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज में आप लोगों को बता देते हैं कि सैमसंग अपना गियर S3 वॉच जो है बहुत जल्दी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, यानी कि जनवरी की स्टार्ट में ही हमें देखने को मिलेगा। ये गियर S3 वॉच जो साउथ कोरियन कंपनी है, ये इन्होंने जो है वो IFA 2016 में सितंबर में ये वॉच को लॉन्च किया था, दो वेरियंट में, एक जो फ्रंटियर है और दूसरा जो वो क्लासिक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस वॉच में सेल्यूलर रेडियो चिप होगा जो कि हमारे मोबाइल के इंटरनेट यानी कि 4G डेटा को यूज करके आसानी से हमें हाई स्पीड जो वो दे सकता है, जो कि एप्पल iOS वॉच में भी हमें देखने को नहीं मिल रहा था और कोई भी ऐसी वॉच में हमें ये सिस्टम देखने को नहीं मिला था। यहाँ पे ये वॉच डस्ट प्रूफ होगी, वाटर रेजिस्टेंट होगी, इसके लिए इनबिल्ट GPS होगा, इनबिल्ट स्पीकर होगा, कैमरा होगा, और काफी सारे फीचर्स के साथ में ये स्मार्ट वॉच आने वाला है। मुझे लगता है सैमसंग का वॉच है भाई, आपको लगभग से 30-40 हज़ार रुपये ही खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल है, उसके बाद सैमसंग है, और उसके बाद जियोनी है, उसके बाद वीवो है, हाँ लंबी लाइन लगी हुई है। डील की बात करते हैं, और सबसे पहले डील आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि साउंड मैजिक का इन ईयर हेडफोन्स। अगर आपको चीप ईयरफोन्स खरीदना है, आपकी बजट 500 रुपीज़ के नीचे है, तो यहाँ पे ये एक ईयरफोन्स है। आप देखेंगे इसकी रेटिंग्स 5 आई है, 3 लोगों ने खरीदा है, लेकिन अच्छी खासी रेटिंग्स भी दिया है इसको, मैंने कि अच्छा चलता है। तो 346 रुपीज़ में आपको साउंड मैजिक का एक अच्छा खासा इन ईयर क्वालिटी का ईयरफोन्स मिलता है विथ माइक, तो काफी अच्छी बात है। साथ में लॉजिटेक का B170 का वायरलेस माउस आप देखेंगे अमेजोन के ऊपर 530 रुपीज़ के आसपास आपको मिल रहा है, जिसकी रेटिंग्स भी काफी अच्छी है। अगर आप वायरलेस माउस प्लानिंग करें खरीदने के लिए, तो लॉजिटेक का ये वाला माउस जो वो जरूर से खरीदेगा। और फाइनल डील की बात करें तो यहाँ पे ईगो का मैक्सिमा ब्लैक एनालॉग मेंस वॉच, साथ में आपको वॉलेट और बेल्ट यानी कि कॉम्बो पैक है, जो आपको 700 रुपीज़ में मिल जाएगा। अगर आप प्लानिंग करें वॉच खरीदने की, तो साथ में आपको वॉलेट भी मिल जाएगा, साथ में आपको एक बेल्ट भी मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप जाइए और डील को यूज कर लीजिए। तो आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, इसी तरीके से आप लोगों को मैं डेली टेक न्यूज लाता रहूंगा, आप लोगों को अपडेटेड करता रहूंगा, और मेरी तरफ से जितनी होगी कोशिश उतनी ही आप लोगों को मैं इसी तरीके से वीडियोस देता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।